फ्रेंड्स, तो आज हम वीडियो लेकर के आए कि आप मॉर्निंग में गाड़ी फर्स्ट टाइम जब निकालते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम जैसे कि मॉर्निंग में अभी उठ के आए हैं और गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो किन किन बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो तो है आप बोनेट खोलिए और बोनेट के अंदर जो होता है इंजन ऑयल और कूलेंट, ये दो चीज़ जो है एवरीडे चेक करना चाहिए कार में। हमने बोनेट यहाँ से खोल लिया है, यहाँ से रहता है बोनेट का सिस्टम, मैंने खोल लिया है और बोनेट की तरफ आप चलेंगे, उधर चलेंगे तो यहाँ पे बोनेट का सिस्टम होता है। आप पहले वीडियो में भी देख सके, इसको पुश करना होगा, फिर इसको करना होगा, आप इसको फिर ऐसे करके इसको कहाँ लॉकिंग का सिस्टम होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी गाड़ी में उधर भी होती है लेकिन इस गाड़ी में इधर ऑल्टो गाड़ी है। और फर्स्ट पॉइंट जो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो होता है इंजन ऑयल, मोबिल गेज जो है इंजन ऑयल आपको चेक करना होता है। तो पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे हम लोग पोछ लेंगे, थोड़ा कपड़ा से पोछेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन हम इसी से पोछ रहे, अभी ठंडा पूरा गाड़ी होता है। फिर इसको क्या करेंगे, ये डालेंगे और देख लीजिए क्या है, इंजन ऑयल भी पता चल जाएगा हमको। फिर ऐसे करके थोड़ा सा हम लोग फिर इसको निकालेंगे, देख सकते हैं कि इंजन ऑयल मेरा सही है, मानिए तो यहाँ तक है, मतलब अभी न्यू डाला हुआ है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है, मतलब इंजन ऑयल सही है, अभी न्यू है, ज़्यादा नहीं, एक मंथ हो रहा है मेरा इंजन ऑयल डाले हुए, इसीलिए इतना फ्रेश दिख रहा है इंजन ऑयल, यहाँ तक है। अगर इससे कम हो तो आप इंजन ऑयल डलवा लें, अन्यथा आपका इंजन जो है सीज हो सकता है। बिकॉज इंजन ऑयल का वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है ना, जैसे कि इंजन में बहुत सारे क्रैम शाफ्ट, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि आपस में घूमते रहते हैं ना, और उसके बीच आपस में लड़ ना जाए या फिर उसमें जंक ना लग जाए, उसमें क्रैश ना आ जाए, इसीलिए गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डाला जाता है। इंजन ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर इंजन ऑयल आपकी गाड़ी में नहीं है तो आपकी गाड़ी को खतरा हो सकता है, इंजन ख़राब हो सकता है। आप इंजन ऑयल हमेशा मेंटेन रखें, ये दोनों जो पॉइंट है इसके बीच होना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर होगा तो ओवर फ्लूड होता है ना, ये होना चाहिए आपका। फिर इसको हम लोग ऐसे डाल देंगे वापस। फर्स्ट पॉइंट तो ये चेक करना है फ्रेंड्स, एंड सेकेंड पॉइंट जो है, थोड़ा गंदा लग गया कोई बात नहीं, वॉश कर लेंगे। और सेकेंड जो है कूलेंट आपको चेक करना चाहिए, मॉर्निंग में तो आप ये भी खोल सकते हो, इसलिए था कि थोड़ा गाड़ी हम चला लिए थे है ना, इसलिए हीट था, इसको कभी भी आपको डेंजर में नहीं खोलना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा हम चला के भी आए थे गाड़ी, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा हॉट था, तो इसमें लिखा होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, नेवर डेंजर ओपन हॉट, ठीक ना। इसमें देख रखते हैं कूलेंट अभी थोड़ा सा कम है, हम लोग डाल देंगे इसमें कूलेंट तो है अभी, देखिए इसमें वाटर टैंक होता है कूलेंट का, इससे जाते रहता है, तो कूलेंट तो अभी चलेगा, जब जब ज़रूरत उसको पड़ेगा तो इससे ले सकता है। फिर भी हम लोग जब जब टाइम मिले जब तो हम लोग थोड़ा सा वाटर इसमें मिक्स कर देंगे। अब कूलेंट का इसलिए काम होता है फ्रेंड्स, कूलेंट का बहुत ही होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक गाड़ी जो है मतलब हीट पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, अगर वो गर्मी को कहीं नहीं रिड्यूस किया जाएगा तो गाड़ी का सारा पार्ट, ये सब जितना भी है ना कचरा, ये सब क्या है, पिघल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए गाड़ी के अंदर कूलेंट डाला जाता है, कूलेंट में दो पाइप होता है, ठीक है, एक इंजन को भेजता है पानी, ठीक है, और दूसरा लाता है, मतलब इंजन में पानी घूर घूर के रेडिएटर में आता है, ओके ना। रेडिएटर में एक फैन होता है जो कि उसको चलते रहता है, और पानी को क्या है, हॉट होता है ना, उसको बाहर बिकता है, ठंडा होता है। कूलेंट का इसलिए वर्क है कि इंजन को ठंडा करने में, कूलेंट का प्रोसेस है, ये दो चीज़ चेक करना चाहिए फ्रेंड्स। और बाकी ये सब है, ब्रेक ऑयल आप चाहो तो इंजन में ब्रेक ऑयल भी चेक कर सकते हो, जैसे कि इसको खोल के मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल भी लग रहा है मेरा कम है, थोड़ा सा यहाँ तक होना चाहिए ब्रेक ऑयल, बहुत ही कम है, हम लोग डलवा लेंगे, नहीं तो ब्रेक लगना कम हो जाएगा, हम लोग ब्रेक ऑयल डाल लेंगे। और फ्रेंड्स इतना चेक कर लिए, अब हम लोग बोनेट का ये लॉक गिरा करके इसको कर देंगे, लॉक हो गया। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, हमने इंजन ऑयल चेक कर लिया, कूलेंट चेक कर लिया, ब्रेक ऑयल चेक कर लिया, अब जो है फोर टाइप चेक करेंगे। थोड़ा सा लग रहा है ऐसे हवा चलने लायक, ठीक है, अगर फुल गाड़ी में चले चार पांच लोग तो थोड़ा सा डलाना होगा, ऐसे
मतलब 30-35 ईयर है और ये टायर्स भी मतलब हवा ठीक ही है, ये सब में ठीक है हवा। और नेक्स्ट चेक करेंगे, ये सब में भी ठीक है और इसमें भी ठीक है और टायर तो ठीक मतलब हवा ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, जैसे कि आप देखेंगे हम लोग क्या देखिएगा थोड़ा सा, हाँ हम लोग का चाबी थोड़ा सा पॉकेट में है तो पॉकेट से निकाल लेते हैं चाबी। अब चेक करना है ये स्विच ऑन करके, हमारे गाड़ी इतना किलोमीटर चला और कितना भी जाना हमको डिसाइड ये भी होना चाहिए ना ड्राइवर को, टेम्पो कहाँ जाना है, यहाँ से 20 किलोमीटर जाना या फिर 25 किलोमीटर जाना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे गाड़ी में फ्यूल है या नहीं। मेरे गाड़ी में बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है बोले तो 2 लीटर होगा। हम लोग फ्यूल लेंगे, ऐसा हम लोग को जाना है अभी बिहार शरीफ, ओके ना 50 किलोमीटर मतलब लगभग जाना है, अप डाउन बोले तो 50 हो ही जाएगा, 30-60 हो जाएगा। हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो भी एवरेज देते हैं हमारी गाड़ी उसके अंडर पेट्रोल ले लेंगे, ओके ना। और हम लोग हमेशा जो है गाड़ी को सुबह सुबह जब भी हम बढ़ते हैं तो हैंड ब्रेक लगा देते हैं रात को, और हैंड ब्रेक को हम लोग को रिलीज करना है। उसके बाद ऐसे करके या स्टार्ट हो गई आपकी गाड़ी और फर्स्ट गियर करके आपको सीट बेल्ट हमेशा यूज़ करना है फ्रेंड्स, ये भी बात को ध्यान रखना है, सीट बेल्ट हमेशा लगा लें, यातायात का पालन हमेशा करना चाहिए। बहुत बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ सीट बेल्ट का भी आपको फैसिलिटी मालूम होगा कैसे है, ओके। फर्स्ट गियर करके आपको गाड़ी आराम आराम से चलना है, हैंड ब्रेक यूज़ कर देना है, ओके फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो आप ऑफ कर दे रहे गाड़ी, हमारा वीडियो देखने में अगर अच्छा लगा आपको कुछ जानने को मिला हो इंजन ऑयल कूलेंट ये सब के वगैरह में, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल इतना ग्रो किया आप लोग की वजह से, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेकर, ओके तब तक ले बाय।